Hello to everyone, welcome back to my channel. Today question is, DL and BM are the heights on the side AB and AD respectively of the parallelogram ABCD shown in figure. If the area of the parallelogram is 14,1470 cm², AB is equal to 35 cm, AD is equal to 49 cm, and find the length of BM and DL. So first of all, we write here which was this we have given. So given, हमें क्या given है? Area of parallelogram. Area of parallelogram is equals to 1470 cm². अब area of parallelogram का क्या formula होता है? Base into height, which is equals to 1470 cm². अब हमें यहाँ पे AB की value given है 35 cm और ए डी की वैल्यू गिवन है 49 सेंटीमीटर. तो बेस हो गया हमारा ए बी इंटू बेस के ऊपर जो हाइट बनी हुई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी एल. डी एल इज इक्वल्स टू 1470. ए बी की वैल्यू 35. डी एल इज इक्वल्स टू 1470. देन डी एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1470 / 35. 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 4s are 20. तो यहाँ पे हमारे पास 7 से कट हो जाएगा ये 7. 7 4s are 28, 7 2s are 14. तो डी एल की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर. फर्दर हमें फाइंड करनी है बी एम की वैल्यू. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470. अब हमने बेस लेना है एडी और एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है हमारे पास एम बी इज इक्वल टू 1470. एडी इज 49, एम बी हमें फाइंड करना है is equals to 1470. तो MB की वैल्यू क्या आ जाएगी इसको डिवाइड करके. तो ये हमारे पास 7 7s are 49 7 2s are 14 7 1s are 0 0 7 3s are 21. तो MB की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर. आई होप इट विल क्लियर टू यू.